नमस्कार, मैं हूँ सारिका। द सेकेंड वाइफ लजीज खाना पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं चिकन बनाने जा रही हूँ, चिकन करी जो कि ग्रीन चिली से बनाने जा रही हूँ। आप लोग जानते ही हैं चिकन बहुत ही फायदेमंद होता है। जिम जाने वाले व्यक्ति जो बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, चाहे प्लेयर हो या प्रेगनेंसी के दरमियान, सभी को अधिकतर चिकन ही खाने की सलाह दी जाती है, जिस कारण से चिकन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। और चिकन बनाने का सब लोगों का तरीका अलग अलग होता है। कोई ज़्यादा मसालेदार बनाते हैं, कोई कम ग्रेवी वाले बनाते हैं, कोई फ्राई बनाते हैं, तो किसी को खाने के पसंद के ऊपर भी होता है। अधिकतर लोग चिकन को स्वाद के लिए खाते हैं, क्योंकि जब तक स्वादिष्ट नहीं होगा तो नहीं खाया जाएगा। तो चलिए मैं विधि बताती हूँ आगे। ये हाफ के जी चिकन है और आधी कटोरी दही डाली हूँ मैरिनेट के लिए, और रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल करके, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल करके, सबको मिला करके मैरिनेट होने के लिए इसे रखा जाएगा। तो हल्दी पाउडर डालती हूँ थोड़ा सा, आधे चम्मच के हिसाब से, और एक से दो चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी। इस सारे को एक साथ मिला करके और 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक इसको ढक करके रख देंगे। इससे क्या होगा, ये काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ही सॉफ्ट होगा और चिकन काफ़ी टेस्टी बनता है। देख सकते हैं ये जो चीरा लगा है, इसमें सारे मसाले अंदर जाएंगे तो अंदर तक ये सेट हो जाएगा। इस तरीके से मिला करके इसको अलग साइड में रख देंगे। तो एक बार आप लोग ज़रूर बनाइए इसे, इस विधि से बहुत ही अच्छा तरीका है बनाने का और जल्द बन जाता है। बच्चे लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके लिए मैं 4 बड़े साइज का प्याज स्लाइस कर ली हूँ, और ये बे लीफ है, तेज़पत्ता, और इतना पतला स्लाइस की हूँ ताकि इसको काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई भी करना है। ये दालचीनी है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जावित्री, बस इसको खल में रख कर के कूट लूँगी दरदरा। इसको पीसना नहीं है, मिक्सी में कुछ भी पीस करके नहीं डाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसे सबको खल में ही डाल करके दरदरा कूटूँगी। देखिए इतना ये काफ़ी है। अब ये पतीले को गर्म होने के लिए रखती हूँ। इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। चाहे तो आप जो भी कुकिंग ऑयल खाना पसंद करते हैं उससे आप बना सकते हैं, लेकिन मैं सरसों तेल यूज कर रही हूँ। इसमें तेज़पत्ता और जीरा डाल करके पका लूँगी, थोड़ा सा चटक जाएगा तो फिर इसमें प्याज फ्राई करूँगी, और प्याज को काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसको सॉफ्ट नहीं होना है, एकदम बिल्कुल गोल्डन हो जाए तब इसकी आगे की प्रोसेस की जाएगी। तो आप लोग देखते जाइए मेरे वीडियो को पूरे अंत तक, आप लोगों को सारे क्लियर फ्राई हो जाएगा कैसे बनाना है। अभी तक हरी मिर्च नहीं डाली थी, तो ये हरी मिर्च मैं ऊपर से डाल रही हूँ। यही इसकी खासियत है हरी मिर्च से बनाने का, इसका फ्लेवर जो आता है वो बहुत ही अच्छा आता है हरी मिर्च का। अगर आप तेल में पहले ही इसे फ्राई कर देंगे तो इसका फ्लेवर नहीं आएगा और ये निखरेगा नहीं। अब इसमें जीरा पाउडर, ये छोटा चम्मच है इसलिए मैं डाल रही हूँ दो बार, नहीं तो एक चम्मच डाल रहे हैं। ये काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे 1.5 चम्मच। आप लोग जितना मटेरियल लेंगे उस हिसाब से इसको आप डाल सकते हैं। और लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है कलर के लिए, क्योंकि हरी मिर्च में काफ़ी चॉप्ड करके डाल रखी हूँ। इस सबको मिला लेंगे एक साथ और फिर फ्राई करेंगे। ये
लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं एक ही चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि पहले मैं दो चम्मच डाल चुकी हूँ मैरिनेट के लिए, तो इसका ध्यान रखिए आप लोग। हल्दी पाउडर डालेंगे और मसाले के साथ ही ये प्याज बिल्कुल सुनहरा होगा, क्योंकि अगर पहले ही प्याज को फ्राई कर देंगे तो मसाला फ्राई नहीं हो पाएगा, और मसाला सूखा है और प्याज के साथ ही फ्राई होगा तो प्याज भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएगा, यानी कि पक जाएगा। तो नमक डालते हैं मटेरियल के हिसाब से, जितना आप खाना पसंद करते हैं टेस्ट के अनुसार उस हिसाब से ही आप नमक डालें। देख सकते हैं इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाली हूँ, प्याज के ही जो पानी रिलीज हुआ है उसी से मसाला ये फ्राई हो रहा है। और देख सकते हैं ये पानी नहीं, ये तेल रिलीज हो रहा है। थोड़ा सा और फ्राई होगा, एक से दो मिनट फ्राई होगा तो इसमें से काफ़ी तेल रिलीज होने लगेगा। देखिए ये अंदर से बबल्स की तरह तेल निकल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस स्टेज पर हम इसमें चिकन डालेंगे, ये फ्राई हो चुका है देखिए, तो अब इसमें हम चिकन डालते हैं। देखिए चिकन से भी पानी रिलीज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल सेट हो गया है। अगर दही पानी वाला रहेगा तो ज़्यादा रिलीज होगा, लेकिन अगर दही आपका गाढ़ा है बिल्कुल सूखा है तो नहीं रिलीज होगा। ये सारे को जो थोड़ा बहुत जो पानी है इसमें ही पलट देंगे, और इसमें तो पानी है ही नहीं, केवल मसाले के साथ का है, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर का, जिंजर गार्लिक पेस्ट का, सबको मिलाएंगे, इसमें भी पानी नहीं डालेंगे। अब ये गैस पर चढ़ा है तो चिकन पानी रिलीज करेगा, तो उसी पानी से इसको पकना है। इसको पूरी अच्छे तरीके से मिला करके देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि मसाला बिल्कुल ड्राई था तो मिलाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन आप लोग आराम आराम से मिलाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाएगा। और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा तो ये पानी रिलीज होने लगेगा, तो उसी पानी से ये पकेगा। तो चलिए मैं ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ती हूँ, फिर चेक करती हूँ। 5 मिनट हो चुका है, देखिए हल्का सा पानी निकल रहा है, तो इसको फिर से चलाएंगे और ऊपर नीचे मिलाते हुए देखिए साइड साइड से पानी रिलीज हुआ है और कलर भी चेंज हो गया चिकन का। तो इस तरीके से इसको फिर दोबारा 5 मिनट के लिए कवर करेंगे तो इससे ज़्यादा और पानी रिलीज होगा कि प्याज और चिकन का। तो मैं इसे अब 5 मिनट के लिए कवर करती हूँ, फिर चेक करती हूँ। तो चलिए 5 मिनट हो चुका है, देखते हैं इससे कितना पानी निकला। देखिए ढेर सारा पानी निकल चुका है, ऐसे चिकन भी आधे से ज़्यादा पक भी चुका है। और थाली में मैरिनेट के लिए जो रखा हुआ था उसमें पानी डाल करके इसमें डाल दें और फिर ढक दें, और 15 से 20 मिनट के बाद मैं चेक करती हूँ। और जो पाउडर बना करके रखी थी मसाले को, उसको इसी में डाल करके मिला देंगे और फिर ढक करके इसे पकाएंगे। जितना ग्रेवी आप लेना पसंद करेंगे उतना ही आप पानी इसमें डालें, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ये फ्राई में होने में ही पक चुका है। देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, लेकिन ये अभी हुआ नहीं है क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है और पका भी कम है। तो इसको फिर से ढकते हैं, 5 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब चेक करते हैं। अब इसमें घी डालते हैं, देसी घी घर का, और मिलाएंगे। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, इसका ग्रेवी भी बहुत अच्छा है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए,
और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि नई रेसिपी आए उसका नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रेवी के साथ ये चिकन करी बन करके तैयार हुआ है, ग्रीन चिली चिकन करी, तो बहुत ही शानदार बना है। आप लोग बना करके घर में खाइए, इंजॉय कीजिए, फिर नए रेसिपी के साथ आप लोगों से एक बार मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।